गाइस कैसे हैं आप सब। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर, एटमोसफियर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। फिर से लिथोस्फीयर होती क्या है। लिथोस्फीयर को हमने पहले ही आपको बताया था कि लिथोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर आपको सॉलिड फॉर्म मिलती है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। और आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर वो पोर्शन होता है जहाँ पर गैसेस मिलती हैं। गैसेस आर फाउंड लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस अगर मिलेगी उसके एरिया को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है। एंड हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर आपकी होती है जहाँ पर आपका, सेकेंड, हाइड्रोस्फेयर वो होती है जहाँ पर आपके पानी मिले। ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैं अगर डायग्रामेटिकली बात करूं तो इस तरह की आपकी अर्थ हो गई। अर्थ के ऊपर आप यहाँ पर रहते हैं ऊपर। ठीक ऐसे आप खड़े हैं ऊपर। तो आप कहाँ खड़े हैं, आप अर्थ पे खड़े हैं ना। ठीक है। कुछ जगह यहाँ पर पानी भी होता है जैसे कि कुछ जगह पानी होता है। ठीक है। कुछ जगह पानी होता है जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पानी नहीं है। जैसे कुछ जगह पानी होता है और कुछ जगह लैंड होती है। तो मैं कलर भर रहा हूँ थोड़ा सा कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये बनाया गया है। जैसे कि अर्थ मैंने बनाने की कोशिश करी थी तो ये डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप कहाँ खड़े हैं, आप वहाँ खड़े हैं। तो देखो जहाँ पर आप खड़े हैं छः नंबर का पूछ लेना पड़ेगा। देखो जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर अर्थ है। अर्थ ये लैंड प्रेजेंट है, लैंड है ना। और ये क्या है, ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जहाँ पे जहाँ पानी प्रेजेंट ओशन है वो आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। और जो ऊपर आपका, ये ऊपर की साइड जो है ये आपका एटमोसफियर हो जाएगा। तो आप ऊपर रहते हैं ना, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो ये आपका एटमोसफियर हो गया। चेंजेस में आ गई। एंड देन जब जहाँ पर ये तीनों चीज़ें, अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा तो देन यहाँ से अलग कलर और ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलेगी, आपका एटमोसफियर, एटमोसफियर आपका, ये लिथोस्फियर और आपका ये हाइड्रोस्फियर, ये तीनों मिलकर के बनाएगा एल प्लस ए प्लस आपका एच, आपका बनाता है बायोस्फीयर। ये आपको बायोस्फीयर लिखा हुआ, समझ गए, ये आपको बायोस्फीयर बनाता है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश। लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर आगे कॉन्टिनेंट्स आते हैं। ठीक है। आपके सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका एशिया हो गया, आपका यूरोप हो गया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है ना। आपका साउथ अफ्रीका हो गया, आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। सही है, समझ में आ गया आपको। देखो ये रहे यहाँ पर डायग्राम बनाकर, देखो कंट्रोल प्लस से आपको कुछ चीज़, मस्त चीज़ बताऊँ आपको। या यूराल एम, ये माउंटेन्स है। देखो सबसे बड़ा आपको कौन सा होता है, आपका सबसे बड़ा है ये एशिया, ये एशिया बना हुआ है ना एशिया। और हम भारत कहाँ पर पाया जाता है, एशिया में मिलता है, एशिया में ही है भारत। ठीक है। तो यहाँ पर एक यूराल नाम की एक माउंटेन्स है जो कि यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। ध्यान किया, यूराल नाम के माउंटेन्स एशिया और यूरोप को डिवाइड करती है। वहीं आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए एक रेंज है बहुत बड़ी। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका नाम है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा आपका एशिया है।
और बाकी देखिए यहाँ पर यूरोप का आपको मैंने बताया यूराल एक है यहाँ पे, और इंडिया का आपको हिमालय सबसे बड़ा दिख रहा है, हिमालय तिब्बत प्लेटू भी है यहाँ पे, तिब्बत पठार भी है। तो ये देखो एक बहुत बड़ी रेंज है हिमालय की यहाँ पे, है ना, ये आपको पता चल गया होगा। एंड देन यहाँ पर आप थोड़ा आगे आइएगा तो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी दिखेंगी, और ओशन कौन कौन से दिख रहा है, अटलांटिका, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन आपको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और अंटार्कटिका आपको नीचे दिख रहा है लास्ट में नीचे, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है अंटार्कटिका में ना। तो और इसके अलावा आगे चलते हैं, कॉन्टिनेंट आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया ये है आपके जो एशिया यूरोप है, एशिया है, एशिया यूरोप अफ्रीका है, ये तीन तो आपको मैंने बताया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि यूराल आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। पहले आपको थोड़ा पढ़ते हैं, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। आपका ये एक तिहाई हिस्सा आपका अर्थ का ये कवर करता है, लैंड एरिया, लैंड एरिया की बात करूँ, पूरी अर्थ की बात कर, लैंड एरिया, लैंड एरिया का मतलब लिथोस्फीयर आपकी अर्थ होती है। तो सॉरी थोड़ा सा सर्कल ही बनाना पड़ेगा आपके लिए, अर्थ है तो अर्थ का ऊपर जो आपकी लैंड है, अगर छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बने तो बड़े सा पूरा जो एक तिहाई अर्थ हिस्सा है आपकी लैंड एरिया का वो आपका एशिया कवर करता है। एंड यूरोप, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, एंड ये कहाँ करता है, वेस्ट की तरफ लाई करता है, लाई वेस्ट है ना, और द आर्कटिक पासिस थ्रू इट है ना, आर्कटिक साइकिल्स पास होते हैं यहाँ से, और इट बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स, ये तीन साइड से पानी से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये चीज़, तो मैं आपको यूराल की बात कर रहा था, तो बाय द यूरोप एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, ये बहुत अच्छे से इसमें स्पेशली मेंशन है, तो आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, द इक्वेटर और 0 डिग्री लेटिट्यूड आर ऑलमोस्ट देयर द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आपसे पूछा है कि कॉन्टिनेंट जहाँ पर से आपकी इक्वेटर निकलती है बिल्कुल 0 डिग्री से, तो कौन सा है वो कॉन्टिनेंट जहाँ से आपका है इक्वेटर निकलती है, अफ्रीका से। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। एंड देन जो बचाव पार्ट है वो आपका है ना, आपका क्या होगा, वो होगा आपका नीचे की साइड, वेस्टर्न सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर में ना। यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिकल कैंसर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न में पास। तो देखो अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है, इसको आपको पॉइंट टू बी नोटेड यार, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर केवल और केवल अफ्रीका से निकल रही है। अफ्रीका ही कैफ ऐसा एरिया है जहाँ से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर निकल रही है। चलो चेक करते हैं जाके, हम देखो ये रहा, प्लस कर दिया जाए, जूम मैं बहुत अच्छे से कर देता हूँ और आपके लिए। तो देखो किस तरह से इक्वेटर, तो यहाँ से बीच में निकल रहा है इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गई, और ये आपकी हो गई ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थन साइड। तो मैं आपको बताया नॉर्थन साइड वाली कौन सी होती है, हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो सबसे ज़्यादा लंबी रीजन लाइन निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, देखो इसमें चेक करता हूँ मैं। तो हम देख रहा हूँ कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा लंबी निकलती है, ज़्यादा एरिया कवर करती है आपके, इसका किसका, आपके अफ्रीका का, अफ्रीका चौड़ाई में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साइड से थोड़ा बड़ा है, वहीं आपके इक्वेटर की साइड से ठीक ठाक है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड से थोड़ा सा ही सिकड़ा हुआ है, छोटा है ना, ये लाइन थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो सिंपली मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए बताया है, वापिस पीते चलते हैं।
जी, तो हम यहाँ पर चल रहे थे अफ्रीका का, यहाँ पर आ चुका था। तो सहारा डेजर्ट इसमें मिलता है। सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन द अफ्रीका, अफ्रीका में मिलता है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन सीज। तो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, देखो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में और है कि जहाँ पर सी है, रिवर्स निकलती हैं, वहाँ ट्राइब्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बात दिमाग में रखने की है कि ट्राइब्स जो होते हैं ना, आपके आदिवासी ट्राइबल लोग, वो ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर नील रेती के कारण बहुत सारे ट्राइब्स लोग रहते हैं ना। और सबसे बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है भैया, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर नील है आपके ना। देखो द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड ऑफ द बाय द ओशन, ओशन से चारों तरफ से ढका हुआ है ना, ठीक है। और ये यहाँ ऐसे ही है कि यहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है ना, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा। देखो लाइन ध्यान रखने की, साउथ एक तो आपको लिख लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में क्या है भैया, बस एक छोटा सा है, उसको हम कह रहे हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैनामा, पैनामा है, क्या बोला मैंने, ये बस ये लाइन ध्यान रखने की, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में इस्थेमस है, इस्थेमस ऑफ पैनामा है, जल संधि नहीं है। देखो जल संधि नहीं, जल संधि को हम कहते हैं कुछ और, कहते हैं जल संधि को, आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया भी था ना, संधि कहते हैं ना। तो एक सेकंड को बताता हूँ, पीछे पेज अप में दिखाता हूँ आपको जी, चलो चलते हैं बताता हूँ। देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये इस्थेमस, ठीक है। और एक यहाँ पर देखो इंडिया का और बीच में है, यहाँ पर है पाक जल संधि है ना। थोड़ा सा ये पीछे थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, ये पाक जल संधि हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ना। तो चलो मिनिमाइज करता हूँ और आगे चलते हैं। देन साउथ अमेरिका इज लाइव मोस्टली लाइज, इसको स्ट्रीट कहते हैं, जी हाँ स्ट्रीट आपको कहते हैं, आपके श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट है ना, जी हाँ स्ट्रीट याद कर लीजिए स्ट्रीट, ठीक है। इस में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। लाइज मोस्टली इन द साउथ हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका साउथ हेमिस्फीयर में, इसलिए साउथ अमेरिका कहते हैं। द एंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट, यहाँ पर सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है एंडीज, वो यहाँ पर पाई जाती है, एंडीज नाम है इसका, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर आपको मैं बता देता हूँ, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी, तो अमेजन आपकी बड़ी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और लॉन्गेस्ट आपकी नील। साउथ अमेरिका में दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो आपकी लॉन्गेस्ट, तो लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये है वो है आपकी एंडिस, एंडिस एंड आपकी लार्जेस्ट रिवर जो है वो है आपकी अमेजन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटरली एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर में मिलता है पूरा ही आपका। देन आपके बात करने वाले हैं अंटार्कटिका, कंप्लीट इन द साउथ हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोल रीजन, इट परमानेंटली कवर विद द थिक आइस शीट्स। तो यहाँ पर तो भैया बहुत ठंड पड़ती है, देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, मैनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, इंडिया ऑल्सो हैव रिसर्च स्टेशन देयर, देयर नेम इज मैत्री एंड दक्षिण गोत्री। दक्षिण गोत्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण हम साउथ को हिंदी में दक्षिण कहते हैं, तो दक्षिण गंगोत्री जब हम कहेंगे देन आपको ध्यान हमेशा नाम याद आएगा कि भैया ये बात कर रहे हैं अंटार्कटिका में कुछ रिसर्च सेंटर्स की, हमारे स्टेशन जो है रिसर्च स्टेशन इंडिया के,
उनका नाम है। तो आपको दक्षिण से तो याद आ जाएगा, साउथर्न से दक्षिण याद आ जाएगा, गंगोत्री आपको याद आ जाएगा, गंगा से इसलिए नाम गंगोत्री नाम इसलिए दिया गया होगा क्योंकि तो गंगा हमारे यहाँ पर बड़ी रिवर है, तो कुछ इस तरह से नाम दे दिया जाता है, दक्षिण गंगोत्री एंड बेत्री। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, 75% आपको ओशन वाटर है एंड 2.5% आपका फ्रेश वाटर है। हमको पता है कि पानी को हम ब्लू प्लैनेट कह, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, लेकिन पीने लायक केवल 2.5% है ना, और इसमें से 0.02% आपका रिवर्स वगैरह में मिला हुआ है, बाकी का पानी आपका आइस के फॉर्म में भी ज़्यादातर है। तो ये भी आपको पहले के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना, ये पढ़ा था हम सब ने। और यहाँ पर देखो डायग्रामेटिकली समझा दिया गया है कि एशिया सबसे बड़ा है, ये आपको समझने के लिए हेल्पफुल कर सकता है। तो चीज़ों को बहुत जितने सिंपली भी मिलकर उतना ज़्यादा आसानी आपके लिए होगी। तो देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एशिया का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे ही बनता है, ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि एशिया के बाद कौन सा बड़ा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अफ्रीका, अफ्रीका बड़ा है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका नहीं, यूरोप, दो तीन तीन दुनिया तीन तीन दस तीन तीन छः, ये अंटार्कटिका बड़ा है भैया, अंटार्कटिका बड़ा है इससे ना यूरोप से, और देन यूरोप और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो समझ गए आप, इस तरह से यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा दिया गया है। अब ओशियंस, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर, दे आर ऑल इंटरनेट द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट, द फाइव मेजर ओशियन आर द पैसिफिक ओशियन, पांच मेन ऑप्शन आपका है पैसिफिक, अटलांटिक, द इंडियन ओशियन एंड द साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, ये तीन पाँच ओशन मेन है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, इट इज स्प्रेड 1/3 ऑफ द, एक तिहाई हिस्सा है पानी का था, मैरिना ट्रैंक द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, देखो मैरिना मैरिना ट्रैंक आपको सबसे डीपेस्ट पार्ट है, लाइज इन द पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, लुक द मैप, देखो मैप पे देखने की जरूरत अभी है नहीं, द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, अटलांटिक का सेकंड नंबर का है, एस शेप्ड है, इट फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थन एंड साउथर्न अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, द ओशन अटलांटिक इज हाईली इंटरनेट द एरिया का, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम आफ्टर कंट्री दैट इज इंडिया, तो इंडिया ओशन इज द ओनली ओशन हिंद महासागर जो हम कहते हैं जिसका नाम कंट्री पर रखा गया था, शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इन नॉर्थ इट इज इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, द साउथर्न ओशन एंड सर्किल बाय कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 degrees साउथ लेटिट्यूड, द आर्टिक ओशन द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। अब हम एटमोसफियर में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक आयनोस्फियर आपको देखो, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है, देन मीजोस्फियर और उसके बाद थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो यहाँ पर देखो ट्रोपोस्फियर एंड सबके एक स्पेशल डिस्टेंस होती है, उन डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट होती है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ कॉल्ड लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमोसफियर, दिस इज थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटरगल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, इट प्रोवाइड अस विद द एयर एंड वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, तो सम हार्मफुल इफेक्ट्स हमको बताती हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाना है कि ट्रोपोस्फियर में हम ज़्यादा दूर नहीं होती है, 18 किलोमीटर तक होती है, देन ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो नीचे की साइड है, ट्रोपोस्फियर के बीच यहाँ पर क्या हो रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है हमारा, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आपके ये स्पेस जेट वगैरह उड़ रहे हैं ना, दिख रहा है आपको, देन उसके ऊपर थर्मोस्फीयर में आपके आपके क्या उड़ रहे हैं, ये प्लैनेट रॉकेट वगैरह जाते हैं, और थर्मोस्फीयर से ऊपर आपके भैया लॉन्च होते हैं ना सैटेलाइट्स वगैरह, इनके लिए होता है ये काम,
इसमें आयोनोस्फीयर भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी स्फीयर, कौन सा लेयर है जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता, देन उसका आंसर था आयोनोस्फीयर। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का 1970 समथिंग का क्वेश्चन था, मुझे ईयर याद नहीं है, बट क्वेश्चन आया हुआ है। तो और ये इसमें द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी विथ हाइट, तो डेंसिटी जो है वो हमेशा चेंज होती रहेगी आपकी हाइट के हिसाब से, लेयर्स की हाइट की। अब बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर, लिथोस्फीयर जब तीनों मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, है ना। ये चीज़ इसमें समझने की थी। तो व्हाट इज़ द फोर मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ, फोर मेन डोमेन्स में से आपको पहला आएगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर, बायोस्फीयर। ये चार में इसको मैं मानता हूँ। द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ, मेजर में एशिया आपका हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, साउथ साउथ आपके मेजर में तो कुछ सात हो गए ना, सात है ना, सारे सात आपको पता, मैंने आपको बता दिया सात के साथ, ठीक है। द नेम द टू कंटिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन साउथर्न हेमिस्फीयर, तो साउथर्न में आपके पड़ते हैं एक तो अंटार्कटिका और एक का साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और इसके बाद मेसोस्फियर आपका, उसके बाद आता है गई स्फीयर का, मैंने आपको बताया था ये रहा मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। ये आपको लेयर्स का सिंपल सा इसमें बता रखा है ना, जिससे आपको दिक्कत आएगी नहीं। और ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि 90 आपका यहाँ सबसे ज़्यादा पानी है, लैंड है ना, एक तिहाई हिस्सा आपका पूरा पानी से भरा हुआ है ना, ठीक है। वाई द नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्योंकि सबसे यहाँ पर, यहाँ पर आपको लिथोस्फीयर मिल जाएगा, लिथोस्फीयर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। वाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर लिविंग के लिए जरूरत क्या है, क्योंकि देखो सांस लेने के लिए आपके लिए एयर होनी जरूरी है, एटमोसफियर होना जरूरी है, आपके खड़े आपके रहने के लिए लैंड क्या बोलते हैं, एक तो आपका लिथोस्फीयर होना चाहिए, और पानी वगैरह के लिए आपके सर्वाइवल के लिए आपका हाइड्रोस्फीयर होना चाहिए, है ना। द माउंटेन इज द सेपरेट यूरोप फ्रॉम द एशिया, द यूराल्स, है ना, मैंने बताया था मेन चीज़ है द यूराल्स। द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका लिंक टू साउथ अमेरिका बाय एनिस्थेमस, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को करता है। द मेजर कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफियर बाय परसेंट इज, इसका आंसर आप बता, बड़ा बट इसका आंसर मैं आंसर जाना चाहता हूँ आपसे। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज द लिथोस्फीयर, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, एशिया भैया, एशिया डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज, अभी बता था पैसिफिक ओशियन में भैया, लिखना पैसिफिक ओशियन में था ही है ना, द पैसिफिक ओशियन, द ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कौन सा है, इंडियन ओशियन, द बायोस्फीयर इज नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज वाट, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर। जो क्वेश्चन आपको समझ में, अब मैंने आपको नहीं बताया उसके आंसर आपको लिखने हैं, अगर आपने सही लिखे तो गुड, वरना मैं आपको आंसर इसके कमेंट सेक्शन में, आप आंसर लिखेंगे तो उसका रिप्लाई मैं आपको, मैं आंसर में लिख दूंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, चलिए मिलते हैं फिर अभी।